पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद के लाइन पार स्थित साईं सेलिब्रेशन में आयोजित श्री शिव महापुराण कथा के अंतर्गत वृंदावन से पधारे कथा व्यास श्रद्धे श्री प्रमोद कृष्ण दास जी महाराज ने वृंदावन जालंधर चरित्र पर और तुलसी शंखचूर्ण चरित्र सुनाकर पतिव्रता स्त्रियों की महिमा बताई। पांचवे दिन कथा में महाराज जी ने बताया कि पतिव्रता स्त्रियां देवतुल्य होती हैं। एक पतिव्रता स्त्री में इतना सामर्थ्य होता है कि वो भगवान को भी शिशु बना सकती है, जैसी माता अनुसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाया था। यदि कोई स्त्री अपना पतिव्रत धर्म निभाती है तो वो तेजोमयी होती है, साथ ही उसके पति की आयु भी बढ़ती है। कथा के पश्चात दरबार का आयोजन किया गया जिसमें भक्तों ने अपने प्रश्नों का उत्तर पाया, साथ ही वृंदावन से आए ब्रजवासियों ने भव्य लीला का दर्शन कराया। गुरु मंत्र कुछ नहीं होता, गुरु के मुख से निकला हुआ कोई भी वाक्य यदि आप उस पर अड़िग हैं, यदि आप उस पर विश्वास करते हैं, तो मैं सत्य कहता हूँ कि गुरु के द्वारा दी हुई गाली भी आपके लिए गुरु मंत्र बन जाता है और वही आपके जीवन का उद्धार कर देता है। जी अच्छा, हमारे आपकी जैसे वो थे कह रहा हूँ शिष्य जो थोड़े से बीच वाले होते हैं, गुरु जी ने कह दिया बेटा, हाँ गुरु जी बेटा 500 रुपये ले लो और जाकर के रवि ने ले आओ, आगे तुम खा लेना आगे हम खा लेंगे। बड़ी प्रसन्नता से लिया गया, 4 किलोमीटर दूर 500 की रवि लाई, आगे तुम खाया आगे हमने खाया। और जरा से गुरु जी ने कह दिया कि बेटा एक काम करो, 15 मिनट जरा भजन कर लेना बैठ के। शिष्य के हाथ पर गुरु जी ने कहा बेटा अगर चादर रखती है ले जाना, घर में काम आएगी तो बड़े प्रसन्न हो गए। लेकिन गुरु जी ने जरा सा कह दिया बेटा जरा 5000 रुपये दान कर देना, मंदिर बन रहा है, गौशाला बन रही है, गाय की सेवा हो रही है, 5000 रुपये की सेवा दे दो, हाथ कर फूल गए। तो ऐसे शिष्यों को जिनके जिनको अपने गुरु के वाक्य पर विश्वास नहीं है, ऐसे शिष्यों को यदि आप कुछ भी मंत्र दे दो वो कभी सफल नहीं होता। हमारे आपके जैसे शिष्य आए, शिष्य ने पूछा अरे महाराज आप तो बड़े पक्षपात करते हो, क्या पक्षपात है जी? गुरु जी ने पूछा क्या पक्षपात? अरे आपने उस शिष्य को जाने कौन सा मंत्र दिया जो हमने नहीं दिया, हम इतना जपते हैं मंत्र फिर भी पूरा नहीं होता, और उस व्यक्ति ने जाने कौन सा मंत्र मारा तो मरा हुआ व्यक्ति जिंदा हो गया। अरे गुरु जी तुम मेरा ऐसा कौन सा शिष्य है जरा देखो, और उसको जब बुलाया तो गुरु जी को हंसी आ गई, कहते अरे मूर्खो इसको तो मैंने कहा था मार दूंगा कमंडल फूट जाएगा मस्तक, अब समझ में आ रहा है ना, कमंडल मार के मस्तक फोड़ दूंगा, बेसमय आ जाता है, पता नहीं पीछे लगा पड़ा जो मैंने गुस्से में बोल दिया था, अब मुझे क्या पता कि ये इसे सिद्ध कर लेगा। तो सारे शिष्य नतमस्तक होके वापस चले गए। कहने का तात्पर्य इतना सा है कि यदि आप अपने गुरु के वाक्य पर विश्वास रखते हैं तो आपके सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।